हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एंड सीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। हम इस क्वेश्चन को इस फिगर की मदद से समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि रेक्टेंगुलर शेप में एक पार्क है। हमने इस पार्क को नाम दिया है ए बी सी डी, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, और इस पार्क की लेंथ हमें दी गई है 700 मीटर और इस पार्क की ब्रेथ हमें दी गई है 300 मीटर। और हमसे ये कहा गया है कि इस पार्क में दो रोड बनाई गई है। एक रोड तो आप यहां पर देख सकते हैं जिसका नाम है ई एफ जी एच, और ये जो रोड है ई एफ जी एच ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, और दूसरी रोड आप यहां पर देख सकते हैं ये भी रेक्टेंगुलर शेप में ये रोड है, और इस रोड को हमने नाम दिया है आई जे के एल, और इन दोनों रोड्स की विड्थ हमें दी गई है 10 मीटर। तो ये जो रोड है ई एफ जी एच इसकी विड्थ यहां पर हमने मेंशन की है 10 मीटर, और यहां पर भी इसकी विड्थ हमने मेंशन की है 10 मीटर, और ये जो रोड है आई जे के एल इसकी विड्थ भी हमें 10 मीटर दी गई है। तो यहां पर भी ये विड्थ 10 मीटर होगी और यहां पर भी ये विड्थ 10 मीटर होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो यहां पर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसके अलावा एक रेक्टेंगल ये है ई एफ जी एच, और तीसरा रेक्टेंगल ये है आई जे के एल, और ये जो पार्ट है एम एन ओ पी ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड्स की लेंथ 10 मीटर है। क्योंकि ये 10 मीटर है तो ये वाला पार्ट यानी पीओ भी 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर है तो पीएम भी 10 मीटर होगा, ये वाला पार्ट 10 मीटर है तो एमएन भी 10 मीटर होगा, ये वाली विड्थ 10 मीटर है तो ओएन भी 10 मीटर होगा, यानी कि एमएनओपी एक स्क्वायर है। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। यानी कि एक तो हमें इन दोनों रोड्स का एरिया बताना है, ई एफ जी एच का एरिया और आई जे के एल का एरिया, और उसके बाद हमें इस पार्क का एरिया इन दोनों रोड्स के एरिया के बिना बताना है। यानी कि हमें ये बताना है कि इन दोनों रोड्स के एरिया के बिना इस पार्क का कितना एरिया होगा, और उसके बाद हमें अपने आंसर्स को हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करके भी दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें रोड्स का एरिया फाइंड करना है तो एक तो हम इस रेक्टेंगल ई एफ जी एच का एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे इस रेक्टेंगल के एरिया को, यानी के रेक्टेंगल आई जे के एल के एरिया को, और इन दोनों के एरिया को ऐड करके इनमें से हम स्क्वायर एम एन ओ पी का एरिया माइनस कर देंगे। क्योंकि जब हम इस रेक्टेंगल के एरिया को और इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो ये वाला जो एरिया है एम एन ओ पी का ये वाला एरिया ये दो बार आ जाएगा, तो एक बार हम इसे माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ये एरिया एक बार ही चाहिए। तो एरिया ऑफ रोड्स फाइंड करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ आई जे के एल माइनस एरिया ऑफ एम एन ओ पी। यानी कि अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं स्क्वायर एम एन ओ पी के एरिया को, तो हमें एरिया ऑफ रोड्स मिल जाएगी। अब अगर हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है तो हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। पहले हम रेक्टेंगल ई एफ जी एच की लेंथ और ब्रेथ पता करते हैं। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो 700 मीटर होगी और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो 10 मीटर होगी।
अब हम रेक्टेंगल आई जे के एल की लेंथ और ब्रेड्थ पता करते हैं। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो 10 मीटर होगी और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ होगी वो 300 मीटर होगी। और इस स्क्वायर एम एन ओ पी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस स्क्वायर एम एन ओ पी की चारों साइड्स की लेंथ 10 मीटर होगी। एरिया ऑफ ई एफ जी एच फाइंड करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल फाइंड करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 300, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। उसके बाद ये माइनस का साइन यहां पर आएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर एम एन ओ पी फाइंड करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जब आप 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपको मिलेगा 7000, तो यहां पर आप लिखेंगे 7000। उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा। जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ तो आपको मिलेगा 3000, तो यहां पर आप लिखेंगे 3000। उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा। जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपको मिलेगा 100, तो यहां पर आप लिखेंगे 100। जब आप 7000 और 3000 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10000, तो यहां पर आप लिखेंगे 10000। उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा और ये 100 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। और जब आप 10000 में से माइनस करेंगे 100 को तो आपको मिलेगा 9900, तो यहां पर आप लिखेंगे 9900 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ रोड्स मिल गया है 9900 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें ये एरिया हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपको 9900 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 9900 को डिवाइड करना होगा 10000 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। यहां पर बचा 99/100, तो यहां पर हम लिखेंगे 99/100। अब हम 99 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हम अपॉन से ये दोनों जीरो हटा देंगे और चेक करेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल यहाँ एंड में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से यानी कि अपॉन से ये दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.99 हेक्टेयर। क्योंकि जब हमने 9900 को डिवाइड किया 10000 से तो ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया है। तो जो रोड्स है इस पार्क के अंदर, उन रोड्स का एरिया है 0.99 हेक्टेयर। इसके बाद हमें पार्क का एरिया फाइंड करना है, लेकिन उसमें रोड्स का एरिया इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स। यानी कि अगर हम पार्क के एरिया में से माइनस कर देते हैं रोड्स के एरिया को तो हमें पार्क का वो एरिया मिल जाएगा जिसमें रोड्स का एरिया शामिल नहीं है। अब रोड्स का एरिया तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 9900 मीटर स्क्वायर। अब हमें पार्क का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमें इस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 700 मीटर और इसकी ब्रेड्थ है 300 मीटर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो यहां पर हम लिखेंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 300। उसके बाद यहां पर ये माइनस का साइन आ जाएगा और एरिया ऑफ रोड्स की जगह यहां पर हम लिखेंगे 9900। जब आप 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ तो आपको मिलेगा 2,10,000, तो यहां पर आप लिखेंगे 2,10,000। उसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और ये 9900 भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्क का एरिया है और ये रोड्स का एरिया है। जब आप 2,10,000 में से माइनस करेंगे 9900 को तो आपको मिलेगा 2,01,000, तो यहां पर आप लिखेंगे
2,100,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें पार्क का वो एरिया मिल गया है जिसमें रोड्स का एरिया इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये एरिया मीटर स्क्वायर में है। अब हम इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। इसके लिए हम 2,100,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, जिससे ये मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा हेक्टेयर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। अब यहां पर बचा 2,001/100, तो यहां पर हम लिखेंगे 2,001/100। अब हम 2,001 को डिवाइड करेंगे 100 से, उसके लिए हम अपॉन से ये दो जीरो हटा देंगे और चेक करेंगे कि यहां न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। यहां कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो डेसिमल यहां एंड में होगा। और जब हम अपॉन से ये दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहां से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 20.01 हेक्टेयर। तो इस पार्क का एरिया जिसमें रोड्स का एरिया इंक्लूड नहीं है, वो एरिया है 20.01 हेक्टेयर। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।